के बगैर। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मेरे पास ये एक SMG जो है वो एक पावर ब्लोअर है, इसके अंदर चाइना का, मेड इन चाइना। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और बाद में इसका टेस्ट भी करूँगा। टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मेरे सामने ये एयर ब्लोअर है SMG, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल कुछ यहाँ पर है। और उसके बाद इसका मेनू बुक है, शुरू होते ही ख़त्म होगी। खैर, इसके बाद ये इसके फ्रंट पे लगने वाला एक कैप है, पाइप है जो जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलती है। उसके बाद ये इसकी बैटरीज हैं, बैटरीज दो दी हुई हैं, 21 वोल्ट की हैं, लिथियम बैटरी है। और साथ में ये इसका चार्जर है। और ये जो है ये इसके ब्लोअर की इस साइड पे लगता है, ठीक है, या इधर लगा लें अगर आपने बिलफर्स। इसमें यानी दो ऑप्शन है, आप इसको वैक्यूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन इसके साथ ये कुछ सेकंड आते हैं और इसमें ये है, गाड़ी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली, ठीक है। ये इसके साथ मज़ीद फिटिंग है, ये कोने से निकालने के लिए सीट्स के। तो इसको लगाने का तरीक़ाकार ये होगा कि इसके साथ ये पाइप आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको वैक्यूम करने का जो है ना, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है वो मैं दिखाता हूँ। पहले इस बॉक्स को साफ करते हैं, इसमें आ रखो, ओके। ये इसके अंदर ये ग्रुप से बने हुए, यानी ये वाला जो निशान है ना वो इस जो बनी हुई जगह इसमें घुसेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये बीच में नॉब्स बनी हुई हैं जो इसके साथ रोल होंगी इसको टाइट करने के लिए, यानी कि मैं इसको घुसा के इससे घुसाता हूँ, अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। सेम वैसे ही इसके इस वाली साइड पे ये भी अंदर नॉब बनी हुई है, लगा के इसको मैं उल्टा घुसाना पड़ेगा, अब ये बाहर निकल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आप कोई भी फिटिंग लगाएं, इधर से आप चलाएंगे तो ये रहेगी, और ये वाला जो है वो इसे फ्रंट पे आ जाएगा ताकि सारी डस्ट वगैरह जो होगी वो इसके अंदर जमा होती रहे। ये चीज़ सही, ये चीज़ बन गई। तो एक बैटरी लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। सही हो गया, क्या टेस्ट किया जाए, मिसाल मतलब ये ले लें, वैक्यूम का काम दे रहा है इस टाइम। और यही पाइप जब मैं इसके फ्रंट पे लगाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा और भी फिटिंग है, ये वाली जैसे पहले बता चुका हूँ, आप ये लगाएं और कोने वाले एरिया से साफ करें। तो दो फिटिंग इसके साथ दी हुई है और तीसरा जो इसका ये फ्रंट वाला है। बाकी नॉर्मल जो है वो ये इसमें लगेगा, ठीक है, और ये ब्लोअर के तौर पे काम देगा। बाकी इसका टेस्ट मैं आपको बात करके दिखाता हूँ। जहाँ तक मटेरियल की बात है, मटेरियल नॉर्मल प्लास्टिक है, ये इसका थोड़ा ज़्यादा लो क्वालिटी का कोई अच्छा नहीं है। इसका चार्जर है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जब आप प्लग में लगाएंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, तो और जब आप चार्जिंग के साथ इसके साथ जब चार्ज पे लगाएंगे तो यहाँ से तो ये रेड हो जाएगी, यानी इसका मतलब है कि चार्जिंग इसने स्टार्ट कर ली है। जब ये फुल चार्ज होगा इसकी इंडिकेशन ये है, इसकी निशानी ये होगी कि ये ग्रीन हो जाएगी दोबारा। तो आपने इसको लाजमी उतार देना वापस। कितने घंटे में चार्ज होती है, कितनी देर, ये मैं बाद में इसकी कैलकुलेशन के बताऊँगा। अभी मैं इसका टेस्ट करूँगा इस टेनिस बॉल के साथ। इसका वेट कितने ग्राम है अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर तो इसने इसको उठा लिया, वैसे इसका थोड़ा बहुत वज़न है, अगर तो इसको इसने उठा लिया तो समझो इसकी हवा गुजारे के काबिल है कुछ इंच। और कितनी देर तक उठाती है वो इसकी फिर बैटरी लाइफ के बारे में बता देता है। तो फ़िलहाल मैं नॉर्मल टेस्ट करता हूँ, इसका बॉल इसके ऊपर रखता हूँ और उठाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम ये भी है कि इसके ऊपर फर है ना, तो हवा के साथ टकर के शायद ये डिसबैलेंस होती रहे। तो चेक करते हैं, और मेरे पास और कोई दूसरा सैंपल नहीं है बॉल का। सही है, गुजारा करेगी। बाकी हवा आप देख लें। आउटडोर के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पे केबल कौन ढूंढता रहे, इतनी बड़ी केबल प्लग ढूंढता रहे और जाके उसके साथ लगाता रहे। तो कैंपिंग, आउटडोर, गाड़ी बाहर साफ़ करना, ये इस तरह के कोई भी काम है डस्ट वगैरह उड़ाने के लिए, ये जगह ये चीज़ मशीन ठीक है, बैटरी वाली। कुछ सैंपल आपको और दिखाते हैं इसके। अभी मैंने ब्लोअर अपना सामने रखा हुआ है और मैं इसका बैटरी टेस्ट करूंगा, यानी कि एक फुली चार्ज जो बैटरी है वो कितनी देर चलती है। ऑनेस्टली अगर बात करूं तो इस बैटरी के ऊपर कोई प्रॉपर डिटेल नहीं लिखी हुई, बस ये प्रिंट किया हुआ स्टिकर लगा दिया 21 वोल्ट लिथियम बैटरी, ठीक है, और ये कोई कोड नंबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर कोई डिटेल नहीं है। और ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे ये कोई मतलब 2 नंबर ही लगती है। ये तब टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कितनी देर चलती है। नॉर्मली अगर कोई इस अच्छी जो कंपनी की बैटरीज होती हैं वो कोई कुछ लोग जो है 4 घंटे का ब्लेम करते हैं, यानी क्लेम करते हैं कि 4 घंटे चलेगी बैटरी, कोई कहते हैं 6 घंटे चलेगी, अच्छी जो प्रॉपर कंपनीज़ हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा कभी बैटरीज इतनी चलती होंगी ब्लोर में, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। इसका टेस्ट करते हैं ख़ास तौर पर, ये क्या है मुझे चलें ये देखेंगे, पता चलेगा ये। और ये अपना क्या रिकॉर्ड बना के दिखाती है, मुझे यकीन है कि ये 20 मिनट या 10 मिनट भी चल पाए। चलें देखते हैं, अगर चल गई तो बड़ी बात है। पूरी चार्ज मैंने बैटरी लगाई हुई है और मैंने प्लास्टिक के साथ लगाता हूँ। इसको टाइम लैग पे ले चलता हूँ। चार मिनट और 26 सेकंड पे ये ढेर होगी, यानी 4.5 मिनट ये बैटरी चली है बस। पता नहीं आपको सही नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे ख्याल में शायद बटन यूज हो गया था वहाँ पे। दोबारा टाइम लैप्स पे लेके जा रहा हूँ मुझको। ये फिर बंद होगी। यार ये क्या है? लगभग 5 मिनट आप कह सकते हैं बैटरी चली है। और दूसरी बैटरी मेरे पास अभी चार्ज ही बना, उसको भी टेस्ट कर लेता, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया था मुझे शक था और मेरा शक सही यकीन में बदल गया कि बैटरी की सिर्फ शक्ल सूरत है, अंदर इन्होंने पता नहीं क्या डाला हुआ है, मोबाइल का चार्जर डाला हुआ है, क्या बैटरी डाली है, क्या भला आलम। तो एनी हाउ, अगर किसी ने अपने थोड़ा बहुत यूज़ करना हो 3-4 मिनट तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको ना ख़रीदना, इस मशीन को बिल्कुल ना ख़रीदें। लेनी हो तो कोई प्रॉपर ब्रांडेड मशीन लें या कोई वारंटी वगैरह जो देते हों। डेमोस्ट्रेशन के बाद मैं इसके रिज़ल्ट को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक इसकी बैटरी लाइफ यानी बैटरी ड्यूरेशन, और दूसरा इसकी एयर ब्लो पावर, और तीसरा इसका यूज़। तो सबसे पहले अगर बैटरी पे आते हैं तो बैटरी तो बिल्कुल इसकी ना होने के बराबर है, यानी मैंने कई दफ़ा टेस्ट किया 4 से 6 मिनट ये एक बैटरी में यानी एक चार्ज पे चलती है, तो ये ना होने के बराबर है। हाँ, अगर कोई टेक्नीशियन है तो वो इसके अंदर से बैटरी सी निकाल के अच्छी वाली बैटरीज लगा देता है तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे जैसा आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको 10 में से 1 या 2 नंबर ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर पर आता है प्रेशर। प्रेशर के वाले से अगर बात करें तो वो इतना है कि जितना हमें मतलब मुझे ज़रूरत है इस आम इस्तेमाल के लिए, तो उस हद तक तो ठीक है। तो क्योंकि ये बैटरी से चल रही है, छोटी मोटर लगी हुई है, तो अगर इसने तकरीबन एक बॉल को आपके सामने तकरीबन 5 से 6 इंच जो है ना उठाया था, अगर यही अच्छी वाले ब्रांड की होती तो शायद वो 12 से 15 इंच उठा लेती बॉल को। तो बहरहाल इतने प्रेशर को मैंने क्या करना है, मैं नॉर्मल यूज़ के लिए जो अगर इस्तेमाल करना है तो वो मेरे लिए काफ़ी है, इनफ है ये। तीसरे नंबर पे आता है इसका यूज़। हाँ, पहले नंबर में जो इस पहले वाला नंबर था प्रेशर का, उसमें मैं 10 में से इसको 5 नंबर दे देता हूँ। तीसरे नंबर पे आते हैं तो वैसे यूज़ है। यूज़ के लिहाज से देखा जाए तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर देता हूँ, 9। वो इसलिए है कि ये बैटरी वाली चीज़ है, किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, या ऐसी जगह जहाँ बहुत हाइट पर है, और ऐसी जगह जहाँ बहुत डीप है, और मैं जाके कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल वगैरह का बंदोबस्त करूँगा और उसको इस्तेमाल करूँगा, तो ये उस लिहाज से बेस्ट है। चलें, फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।